दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे में एक भारी भरकम मकान है। मकान को जमीन से लगभग 4 फीट जो है सो ऊंचा उठा दिया गया है। पहले ये गेट जो है सो इस जमीन के नीचे में था और इसको लिफ्टिंग करके जो है सो लगभग 4 फीट जो है सो ऊंचा कर दिया गया है। देख सकते हैं भाई साहब किस प्रकार से जो है सो जॉक लगा करके मकान को सीधा ऊपर उठा रहे हैं। इस मकान को जो है सो कितने फीट और लगभग उठा चुके हैं? 4 फीट। पहले जो गेट था वो अब जमीन तल से कितना ऊपर उठ गया है वो आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का खरोच जो है सो देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे सामने में रूपेश कुमार जी है और इस काम की देखरेख इनके जिम्मे है। कहाँ घर है आपका? जी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये बताइए कि लिफ्टिंग का जो काम है, मकान लिफ्टिंग का या शिफ्टिंग का जो काम है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ है? पंजाब से। पंजाब से जी। वहाँ आप लोग पहुँचे थे देखने के लिए या काम करने के लिए? काम करने के लिए। काम करने के लिए पहुँचे, तो फिर आपको कैसे मन हुआ कि ये काम जो है अपने क्षेत्र में स्टार्ट किया जाए? बहुत दिन से कर रहे हैं अपना। बहुत दिनों से कर रहे हैं। अभी कहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो मधुबनी में कर रहे हैं। मधुबनी में काम कौन सी जगह पे? खजौली। खजौली, खजौली में। कितने दिनों से जो है अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? लगभग 8 साल के। 8 साल से कर रहे हैं जी। कितने मकानों का लगभग राइज कर चुके हैं? लगभग 400। 400 मकान कर चुके हैं जी, बिल्कुल। अच्छा बताए कि एक मंजिला भी मकान है तो 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, 4 मंजिला हो, उन मकान तक को भी उठा सकते हैं? 5 मंजिल तक उठा सकते हैं। तो आप पहली मंजिल का जो है उठाने में क्या कोस्ट जो लेते होंगे, सेकेंड मंजिल का उठाने का भी कोश उतना ही लेते हैं या बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है जी। ये मकान जो है कैसे जो है लिफ्ट किए हैं? दीवार था ना यहाँ पे, दीवार तोड़ के 1 फीट, उसके बाद जक लगाए हैं, उसके बाद लोहा का एंगल लगाया है। अच्छा। और उसके बाद उठाना। लगभग कितने दिनों से ये काम चल रही है? 12 दिन हुआ है। 12 दिन हुआ है। कोशिश करते हैं और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं घर के अंदर की जो क्या स्थिति है। देख सकते हैं जॉक कितना लगा हुआ है वो आप देख लीजिए। लगभग 300 से 350 जॉक जो है सो इस घर के अंदर में लगाई गई है। जॉक लगा हुआ है, जॉक के सामने में लेबर काम कर रहे हैं और इस मकान को धीरे धीरे लिफ्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ गुना लगाया हुआ है, इसमें नंबर दिया हुआ है और इस नंबर के माध्यम से हर एक जगह एक साथ उसको उठाया जाता है। जब आप मकान को ऊपर उठाते हैं उस समय जैसे किसी प्रकार की परेशानी भी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं होती है ना? ये रॉड काट दिए हैं जी जी। तो फिर इसको जैसे जमीन के तल से कैसे इसको अटैच कीजिएगा? इतना नीचे है, उसको काट के फिर वेल्डिंग करेंगे। अच्छा। वेल्डिंग करके फिर ढाल देंगे दोबारा। तो इतना तो हमको लगता है ताकतवर, इतना जो है स्ट्रॉन्ग जो है सब पहले जैसा तो नहीं होगा? ना, हो जाएगा पूरा। नहीं हो जाएगा, वेल्डिंग करेंगे तो हो जाएगा। वेल्डिंग करेगा तो हो जाएगा जी। इसमें मसाला जो है सो किस प्रकार की देते हैं? 3-1 का देते हैं। 3-1 का देते हैं क्योंकि प्रेशर जो है मकान का प्रेशर सह पाएगा। हाँ, आराम से आराम से। ये बताइए कि ये जो मोटाई दिए हैं अभी लगभग 15 इंच का, ये क्यों दिए हैं? ये बेस मजबूत होने के लिए दिए हैं। इसको फिर तोड़ दीजिएगा? ना ना, तोड़ेंगे नहीं, फिर ऐसा ही रह जाएगा। हाँ, ये रहेगा ऐसे ही। मान लीजिए भूकंप आया उस समय क्या ना, होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं। गारंटी लेते हैं आप लोग? हाँ हाँ, पूरा गारंटी। पूरा गारंटी लेते हैं जी जी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? करीब 8 साल से कर रहे हैं। आप इसमें जो है कारीगर हैं? जी जी जी। ये जो है आप देख सकते हैं ये फर्श है और इस फर्श को जो है सो जमीन से सीधा ऊपर उठा दिया गया है। फिर इसके अंदर में माटी जो है सो भर दिया गया है और ऐसे ही करके जो है सो ऊपर उठाया जाएगा। देख सकते हैं भाई साहब जो है सो अंदर में घुस करके जो है जॉक के माध्यम से लिफ्टिंग कर रहे हैं। आप लोग कब से काम कर रहे हैं भैया? 10 साल से। इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस है ना जी। मजदूरों के लिए जो LIC होना चाहिए वो आप करवाते हैं कि नहीं भैया? जी, सबका LIC है। मकान मालिक जो है सो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा भाई? ट्रस्ट हम लोग काम करते हैं तो मतलब जहाँ काम किया है वहाँ हम दिखा देंगे। काम करते वक्त मकान टूट फूट गया तो क्या कीजिएगा? नया मकान बन जाएगा आपका, आप बना के दीजिएगा। गारंटी लेते हैं? गारंटी कोर्ट के साथ। कोर्ट कागज बना कर देते हैं? बहुत लोग पूछते हैं कि मकान लिफ्टिंग करवाने में किस प्रकार का खर्चा उर्चा आता है? खर्चा उर्चा स्क्वायर फीट पे है, एरिया पे डिपेंड करता है। 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख रुपया आ जाता है। स्क्वायर फीट पे लेते हैं? 2 मंजिला रहता तो फिर बढ़ जाता है। बढ़ता है ना जी। तो मकान मालिक जो है सो आप लोग उसे कैसे संपर्क करेंगे? हम लोग का एड चलता है टीवी से, टीवी सब में चलता है, बहुत चैनल पे। अच्छा जी। नंबर है? नंबर है क्या नंबर बोलिए? 87-89-10-97-35। कुछ कंपनी का नाम है या ऐसे ही है? धर्मराज बिल्डिंग लिफ्टिंग। धर्मराज बिल्डिंग लिफ्टिंग, यानी धर्मराज बिल्डिंग लिफ्टिंग जो एक कंपनी है जिसके तहत जो है सो मकान को लिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, भाई साहब उठाएंगे और बात कर लीजिएगा। अच्छा बताइए शिफ्ट ऑफ करते हैं कि? जी बिल्कुल। कितने दूरी तक? 1-2 किलोमीटर। क्या मंजिला तक शिफ्ट कर देते हैं? 3 मंजिल तक। उसका कुछ ज्यादा हो पड़ता होगा? हाँ, ज्यादा पड़ता है उसका। ज्यादा पड़ता है। अच्छा, तो आइए अंदर का विजुअल थोड़ा दिखा देते हैं। देख सकते हैं घर को लिफ्टिंग किया जा रहा है, भाई साहब
ने किस प्रकार से जो है इस घर को चारों तरफ से जक लगा करके जो है सो लिफ्ट कर रहे हैं। लाइट, बिजली, पानी जो भी इसमें सप्लाई पहले से हो रही थी वो तमाम चीज जो है सो सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या तमाम चीज सप्लाई है कि नहीं? जी बिल्कुल, बिजली पानी हर चीज चालू है अभी भी। जी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं ना। माने पहले जैसा घर बनेगा कि नहीं भाई? पहले से बढ़िया बनेगा भाई, बन जाएगा। हाँ अच्छा, मान लीजिए कोई कच्चा मकान है उसको भी लिफ्ट करते हैं क्या? हाँ कच्चा मकान हो जाएगा लेकिन छत रहना चाहिए ऊपर। छत रहना चाहिए जी। ऊपर में जो मकान का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यथावत है, यानी पहले जैसा जो प्लास्टर है वो भी है, कलर भी है, किसी प्रकार की खरोच जो है सो नहीं आई है। आप ऑनर है? जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? आरडी सिंह। शुरुआत में तो कुछ भय लग रहा था कि मकान जो है सो लिफ्ट किया जा रहा है, कैसा होगा नहीं होगा, इसीलिए हमको कोई भय नहीं था। टर्म एंड कंडीशन कुछ लगाए थे कि नहीं? नहीं नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन तो एग्रीमेंट ही है इनका। अच्छा। और चूंकि इसके ये काम स्टार्ट करने के पहले या डिसीजन लेने के पहले मैंने फिजिकली जहाँ जहाँ पे इन्होंने काम किया वहाँ पे इन्होंने नहीं, जो नजदीक में जहाँ पर हम थे वहाँ पर जिसने काम किया था उसका मैंने फिजिकली जा करके देखा कि किस तरीके से लिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट करने के बाद मकान की क्या स्थिति है। वहाँ जिसका मकान था मकान मालिक से हमारी बातचीत हुई। सेफ्टी है? सेफ्टी तो जिससे हमारी अभी तक बात हुई है, जिनके यहाँ हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। अच्छा। बात करें कि जो मकान पहले वाला जो था और अब लिफ्ट किया गया है, क्या परेशानी थी? वो चूंकि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा हमारा जो था लेवल कम हो गया था और इसीलिए जो रोड का लेवल भी था क्या? नहीं, वाटर लॉगिंग का नहीं था, जो रोड लेवल है रोड के लेवल से कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमको लगा कि मकान हमारा नीचा है। बगल में हाईवे गुजरी है। हाँ, तो उस लेवल से आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आए, कमिंग फ्यूचर जो है सो अच्छा लगे और मकान का लुक भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा बताइए कि मकान के कॉस्ट जो लगाने में है उसके अपेक्षा लिफ्टिंग करने में अच्छा है या न्यू बनाना? वो तो कभी भी नहीं, कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि पूरा डिमोलिश करने में बहुत ज्यादा पैसा नेचुरली यदि कोई कराना चाहता है तो लिफ्टिंग करा करके अच्छा से अपने तो मकान को जो सेव कर सकता है। हमको तो लगता है कि करा लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका मकान लो लेवल का है, सड़क से नीचे में है या कहे कि सड़क के बराबर में है, आप चाहते हैं कि घर को थोड़ा लिफ्ट करके ऊंचाई पर ले जाए, उड़ा करके थोड़ा ऊपर ले जाए, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कंपनी है और ट्रस्ट इस प्रकार से दी जा रही है कि आपका मकान यदि टूट जाता है या किसी प्रकार की परेशानी मकान में होती है तो तमाम जिम्मेदारी जो है सो कंपनी उठाती है और नया तरीके से जो है सो मकान बना करके देने का एग्रीमेंट जो है सो इनके साथ किया गया है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल एग्रीमेंट। हाँ तो आप देख सकते हैं सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। आरडी सिंह। घर सर आपका? इनरवा खजौली। खजौली। तो हम अभी इनरवा खजौली में हो रही घर की लिफ्टिंग के बारे में जानकारी दिए हैं।